now going to be go here in Assen. Great start from pole position for Pekka Bagnaia. एक MotoGP रेस में 20 से भी ज्यादा बाइक्स शार्प टर्न से भरे रेसिंग ट्रैक पर हाई स्पीड में एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। इस सिचुएशन में क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेलो राइडर्स, ये है द रूटेड शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MotoGP रेस में हुए कुछ अमेजिंग क्रैश और सेव्स। सो लेट्स बिगिन। फाबियो क्वात्रारो एक फ्रेंच MotoGP राइडर है जो करेंटली मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा की तरफ से रेस करते हैं। MotoGP रेस से पहले होने वाले फ्री प्रैक्टिस सेशन में फाबियो एक टर्न पर लीन होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उनकी बाइक एक तेज वॉबल के बाद क्रैश हो गई। He throws it in and it's an off throttle high side and he gets a good whack on that heel up in the air. इस क्रैश में फाबियो के लेफ्ट लेग में चोट आई पर प्रोटेक्टिव गियर की वजह से कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। क्रैश के तुरंत बाद ही मेडिक्स ने उनकी हेल्प की और फाबियो को यामाहा गैराज तक पहुंचाया। यामाहा बट द फेस सेज इट ऑल। हियर कम्स फाबियो क्वातरारो एंड इट्स क्वाइट अ ऑब्वियस एंड प्रोनाउंस्ड हॉबल इजंट इट? Gets a little bit unstable, throws it in and it's an off throttle high side and he gets a good whack on that heel up in the air and then clatters down as well. Marc Márquez दुनिया के सबसे सक्सेसफुल MotoGP राइडर हैं। स्पेन के मार्क मार्केज ने 2013 में अपना MotoGP करियर शुरू किया था और तब से लेकर अब तक मार्क ने 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स जीत लिए हैं। इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइडिंग स्किल्स जो डेवलप हुई है कड़ी मेहनत और ढेर सारे क्रैश एक्सपीरियंस से। प्रैक्टिस सेशन 3 के टर्न 7 पर हुआ ये क्रैश MotoGP हिस्ट्री के सबसे एक्सट्रीम हाई साइड क्रैशेस में से एक था। लीन करते समय जब बाइक का टायर रोड से ग्रिप लूज करके दोबारा रोड को टच करता है तो बाइक के मोमेंटम की वजह से उसमें एक रोटेशनल फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से पूरी बाइक फ्लिप होकर राइडर को हवा में ऊपर उछाल देती है। इस क्रैश को हाई साइड क्रैश कहते हैं। ये है मार्क मार्केस का एक और हाई साइड क्रैश। यहाँ मार्क यामाहा के राइडर मैवरिक वेनियाले से ठीक पीछे थे और ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली उनकी बाइक लीन करते समय हाई साइड कर गई। ऑस्ट्रेलियन जीपी के इस रेस में इटालियन राइडर डैनियल पेत्रुची अपनी दुकाटी पर मार्क मार्केज से आगे निकलने की कोशिश में हाई साइड कर गए और ऊपर उछलकर आगे चल रहे फाबियो क्वात्रारो की यामाहा M1 के पिछले पार्ट से टकरा गए जिसकी वजह से फाबियो का बैलेंस बिगड़ा और वो भी क्रैश हो गए। Southern loop and he's taken Quattararo down as well. Early drama here in Australia to go around the outside there of Marc Márquez. He's out quite wide and then he's just asked a bit too much from the rear end and poor old Fabio Quattararo who was wide. 2019 की ब्रिटिश जीपी में यामाहा के फाबियो क्वात्रारो और दुकाटी के आंद्रे दोविसियोसो का क्रैश काफी यूनिक था। रेस की शुरुआत में ही एक टर्न पर फाबियो की यामाहा M1 लीन करते हुए स्लाइड हो गई। इसके ठीक पीछे दोविसियोसो की दुकाटी थी जो यामाहा M1 के ऊपर चढ़ गई और दोविसियोसो हवा में जंप करते हुए क्रैश हो गए। Well, Rossi thought about going up the inside, but Marquez is where he needs to be. Rins is up to second. Well, Quattararo's down. Is that Dovizioso as well? I think it is. This fire. 2020 के ऑस्ट्रेलियन जीपी में हुआ ये क्रैश अब तक के सबसे एक्सट्रीम क्रैशेस में से एक था जिसमें दो बाइक्स पूरी तरह बर्बाद हो गई पर थैंकफुली किसी भी राइडर को सीरियस इंजरी नहीं हुई। इतने भयानक क्रैश के बाद भी राइडर सेफ रहे क्योंकि उन्होंने हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर पहन रखा था। इसीलिए बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। राइड सेफ टू राइड अगेन।
मोटरसाइकिल रेस में क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, पर कभी कभी स्किल्स और अच्छी किस्मत की वजह से राइडर्स खुद को सेव भी कर लेते हैं। फिनलैंड के निकोलास आजियो का ये सेव इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। This was Aya. This was him leading the battle for eighth place. He's now going to lose the rear. There you go. He's just trying to squeeze on the panel. He's on his knees now for about the next 500-600. When you crash like almost crash like this, you know the wall is really really close there. And otherwise, if I wouldn't try to save it, I would hit the wall and for sure break something. 2020 के स्पेनिश जीपी में मार्क मार्केज ने भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेव परफॉर्म किया था। कॉर्नर पर लीन करते हुए मार्क की होंडा RC 213V का रेयर टायर स्किड हो गया। वो ऑलमोस्ट क्रैश हो ही गए थे, पर लकीली बाइक स्टेबल हो गई और मार्क क्रैश होने से बच गए। लेकिन हर राइडर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। इस रेस में होंडा के जॉर्ज लोरेंजो कॉर्नर पर लीन करते हुए स्लाइड हो गए और अपने साथ वेलेंटिनो रॉसी, मैवरिक विनियालेस और आंद्रे दोविसियोसो को भी ले डूबे। The top five. Lorenzo, who was wiped out there himself by Andrea Iannone a few years back. What an absolute shocker from Jorge Lorenzo. MotoGP race में safety के लिए track के side में soft gravel और safety railings होती हैं। साथ ही riders high quality protective gears पहने होते हैं। इसीलिए इन crashes के बाद भी generally उन्हें कोई serious injury नहीं होती है। Unbuckling a luxury apartment for another fortnight. Oh, he's gone. Now then, that could be so crucial. Mark Marquez then, his bike barrel rolls through the gravel trap. पर पब्लिक रोड्स पर कंडीशंस इतनी सेफ नहीं होती हैं। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। इसीलिए रैश ड्राइविंग ना करें, हमेशा हेलमेट पहने और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। MotoGP से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.